वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज फ्राइडे है और हम लोग जा रहे हैं मदीना। अभी 10:45 हो रहे हैं। इंशाल्लाह जुम्मा जो है वो तो रास्ते में ही पढ़ेंगे और हमारा प्लान है कि असर और मगरब की नमाज़ जो है वो हमने जो है मदीना में पढ़नी है इंशाल्लाह। तो आप लोगों को जो भी मदीना ज़्यारत भी करवाएँगे और रास्ते को भी इंजॉय करेंगे इंशाल्लाह। तो अभी चलते हैं। तो अभी ये हमारे घर के साथ ही है, ये बकाला है छोटा सा। तो यहाँ से जो है वो हम लोग पानी और दूध वगैरह कुछ जो है वो लेने के लिए आ गए। हमने कहा चलें पहले ये ले लें तो उसके बाद जो है फिर आगे चलते हैं, बिस्मिल्लाह करेंगे। आपको यहाँ से भी दिखा देते हैं, वो जनाब रुहाब और राशिद साहब आ रहे हैं पानी शानी दूध वगैरह लेकर, जूसेस वगैरह। ये हम रुके थे, स्टॉप किया था इधर, हमने जुमे की नमाज़ पढ़ी थी और पहले मैंने तो बाद में अदा की थी, राशिद चले गए थे, उन्होंने जमात के साथ पढ़ी थी क्योंकि रुहाब अकेले नहीं बैठ रही थी। तो फिर हम दोबारा रवाना हो गए थे। रास्ता जो है सारा रास्ता बादल रह गए थे, वेदर बहुत अच्छा था और आजकल तो खैर वैसे भी मौसम काफ़ी चेंज हो गया है, यहाँ पर जद्दा में भी काफ़ी बेहतर है वेदर, और लेकिन मदीना में जो है वो अच्छी खासी ठंड थी। तो वहाँ पर जो मतलब फैंस वगैरह चल रहे होते हैं ना, तो उसके नीचे हम बैठा नहीं जा रहा था क्योंकि काफ़ी ठंड लग रही थी और मौसम चेंज हो रहा है इस वजह से। तो रास्ते को भी आप लोग इंजॉय करें। तो अब हम जो है मदीना पहुंच गए हैं, इंशाल्लाह आपको ज़्यारत भी करवाएंगे और नमाज भी अदा करेंगे मस्जिद नबवी में। ये मदीना मुनव्वरा सिटी, मैंने कहा ये भी आप देखें, बहुत ही खूबसूरत। और खैर वैसे मदीना की तो खैर बात ही कुछ और है। तो हम ये मस्जिद नबवी है जहाँ ये छतरियाँ आप देख रहे हैं खुली हुई और साथ ही बिल्डिंग्स हैं। एक्चुअली हम लोग जो है वो मस्जिद नबवी की जो बेसमेंट पार्किंग है वहाँ पर पार्क कर रहे थे गाड़ी, ये उसकी हरम की अपनी पार्किंग है।
अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग जो है वो मस्जिद नबी पहुंच चुके हैं। तो सबसे पहले आपको जो है वो ज़्यारत करवाते हैं रोज़ा रसूलुल्लाह की, हरम की। तो अभी क्योंकि असर का टाइम हो रहा था और सारी जितनी भी अम्ब्रेला हैं वो सब खुली हुई थी, तो आगे मैं आपको जो है वो अम्ब्रेला जब ये बंद होती हैं बहुत ही खूबसूरत लगती हैं, तो वो भी मैं आपको जो है दिखाऊँगी। और इंशाल्लाह आपको मगरब की मस्जिद नबी हो या मक्का हरम हो, वहाँ अज़ान नमाज़ पढ़ने का तो अपना ही मज़ा है, लेकिन अज़ान सुनने में जो राहत और सुकून महसूस होता है ना, वो सुकून इंसान को कहीं पर भी नहीं मिलता। तो इंशाल्लाह आपको भी मस्जिद नबी की अज़ानें सुनवाएंगे इंशाल्लाह। और हरम देखें अभी, तो अभी सूरज भी ठहरा हुआ है। सुभान अल्लाह, राशिद जो हैं वो रुहाब को कुरान पाक पढ़ा रहे थे, और वो मैं पढ़ती हूँ कुरान पाक तो वो मेरे साथ पढ़ती है, रमज़ान पूरा जो है वो मेरे साथ कुरान पाक पढ़ती थी, तिलावत करती थी। तो माशाल्लाह जिस जगह पे हम लोग बैठे हुए थे ना रुहाब को, जहाँ राशिद कुरान पाक पढ़ा रहे थे, जब मम्मा अबू आए थे हम लोग इधर ही बैठे थे, और मैं बहुत ज़्यादा उन्हें मिस कर रही थी। और मैंने देर सारी जो है फिर दुआ मांगी कि अल्लाह पाक उन्हें दोबारा बल्कि बार बार जो है वो अपने घर पर बुलाए, आमीन। और यहाँ पर क्योंकि मगरिब का टाइम हो रहा है, तो जितनी भी अम्ब्रेला हैं वो सब क्लोज़ हो रही हैं, बंद हो रही हैं, तो आप लोगों ने इसकी आवाज़ भी सुनी होगी। और देखिए कितनी खूबसूरत लगती हैं, और जब ये बंद होती हैं ना बिल्कुल क्लोज़ हो जाती हैं, पिलर के साथ बिल्कुल अटैच हो जाती हैं, और फील ही नहीं होता कि जो है इस पिलर के साथ अम्ब्रेला है। और जो दिन में जो है वो फजर के बाद या 8-9 बजे के सुबह को वो ओपन कर देते हैं, और फिर मगरब टाइम जो है वो बंद कर देते हैं। तो देखिए कितनी खूबसूरत लग रही है, मैंने जो है वो बिल्कुल क्लोज़ करके आराम से बनाया ताकि आप लोगों को नज़र आए, आप लोग भी देखें और ज़्यारत करें। तो बहुत अच्छा लगता है देख के, मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं आप लोगों के लिए व्लॉग्स वगैरह लेकर आऊं। मगरिब का टाइम हो रहा है, देखें अब यहाँ पे सारी जितनी भी अम्ब्रेला है ना वो सब क्लोज़ हो चुकी हैं, और बिल्कुल पिलर के साथ जो है वो अटैच हो चुकी हैं। तो क्योंकि मगरिब की नमाज़ होने वाली थी, तो बस हमने फिर पहले असर पढ़ी थी, फिर मगरिब की नमाज़ पढ़ी थी, और अभी आपको जो है वो मैं अजान सुने आऊँ। बस मगरिब का टाइम हुआ, मैं नमाज़ पढ़ी मगरिब की। मगरिब के टाइम जो है बहुत ज़्यादा रश था, बहुत ज़्यादा जगह भी नहीं मिल रही थी, तो उसके बाद फिर हम लोग रवाना बाहर निकल आए, तो रोज़ा रसूलुल्लाह के सामने ठहरे, दुआ मांगी ढेर सारी। और मैंने कहा कि मैं सबको जो है वो अपने व्यूवर्स को, अपने घर वालों को, सबको जो है मैं ज़्यारत करवाऊँ, और जितने लोग भी मुझे याद थे उन सबका जो है, जब हम लोग पहुँचे थे हरम तो मैंने सबका सलाम पेश किया था, जिसने मुझे कहा था और जिन्होंने मुझे नहीं भी कहा था ना, मैंने सबका किया सलाम पेश किया था। उसके बाद फिर बाहर ही, हरम के बाहर ही ये जो है कुछ जो है वो शॉप्स हैं, डेट्स खजूरें वगैरह मिलती हैं यहाँ पे, तो इसका भी मैंने थोड़ा कैप्चर किया, वो भी आपको दिखाएंगे। तो ये था जनाब आज का ब्लॉग, आई होप कि वीडियो को आप लोगों ने लाइक किया होगा। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, बल्कि इस वीडियो को तो लाइक करना बनता है, और लाइक कीजिएगा, ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ये ऐसी जगह पर आप रोज़ा रसूलुल्लाह को मैं आप देख रहे हैं, मदीना हरम मैंने आपको दिखाया है, तो लाइक कीजिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द
अच्छे से व्लॉग के साथ आप लोगों के साथ फिर मिलूंगी। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। खजूरें ज़रूर खाइएगा। مرحبا يا حبيبي.